वफाकी हुकूमत पारां तवानाई बोहरान के मुंह ॾियण लाइ मुल्क में बाज़ारूं होटल ऐं रेस्टोरेंट रात जो 8 वॻे ऐं शादी हॉल रात जो 10 वॻे बंदि करण जो फ़ैसिलो। वफाकी काबीना तवानाई पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि थियल काबीना जे इजलास में तवानाई बोहरान खे मुंहुं ॾियण लाइ पेश कयल तजवीज़ूं मंज़ूर कयूं वयूं। ख्वाजा आसिफ चयो आहे त सूबनि सां सलाह मशवरे बाद नई पॉलिसी लागू कई वेंदी। मार्केटूं जल्द बंदि थियण सां 9000 मेगावाट बिजली बचंदी। काबीना मोदी बाबति बयान ते परॾेही वज़ीर बिलावल भुटो ज़रदारी खे बि भेटा पेश कई। पंजाब असेंबली खे बचाइण लाइ हुकूमती इतिहादी सरगरम। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी चौधरी शुजात सां मुलाक़ात। वफ़ाक़ी वज़ीर चौधरी सालिक ऐं ॿिया बि मुलाक़ात दौरान मौजूदु हुआ। अॻवाणनि जो मुलाक़ात दौरान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां फ़ोन ते राब्तो। पंजाब जे वॾे वज़ीर ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ ते हिकमत अमली खे हतमी शकल ॾिनी वई। आसिफ ज़रदारी ऐं चौधरी शुजात हुसैन चयो आहे त पंजाब जो वॾो वज़ीर जल्द इतिहादी हुकूमत जो हूंदो। मैं अब भी मावसूक अंदाज में कह रहा हूँ कि हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। एडजर्न आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने जो रात ये ऑर्डर किया है मैं इसको इलीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। पंजाब असेंबली के स्पीकर सप्तीन खान गवर्नर पारा तलब कल इजलास के गैर कानूनी करार दई छो। नोटिफिकेशन जारी न करण जो फैसलो। स्पीकर सप्तीन खान जो मौकफ है तो पंजाब असेंबली जो इजलास अगी हली रो है, नव इजलास न तो सदा सके। गवर्नर जो हुक्म गैर आइनी है। इमरान खान सा मोनिस इलाही स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। ज़रियन मूजिब मुलाकात दौरान परवेज इलाही के एतमाद जो वोट वठण वाले गवर्नर के फैसले ते मुशावरत। कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इतवार का वोट न दिया, उन्हें इतवार का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असेंबली नहीं तोड़ेगी। जब 99% लोग चाहते हैं कि असेंबली ना तोड़ी जाए तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब क्यों तोड़ रहे हैं ऐसा? पंजाब असेंबली जो इजलास थे या न, चौधरी परवेज इलाही के एतमाद जो वोट वठणो पवंदो। वॾे वज़ीर एतमाद जो वोट न वरितो त गवर्नर पंजाब जो वज़ीर आला हाउस सील करे छॾींदो। घरू वज़ीर राणा सनाउला चयो आहे त गवर्नर आइन तहत असेंबली जो इजलास घुराए सघे थो। स्पीकर जो इजलास न घुराइण वारो मौक़िफ़ ग़लति आहे। सुभाणे 4 वॻे इजलास न थियो ऐं वॾे वज़ीर एतमाद जो वोट न वरितो त गवर्नर पंजाब जो वज़ीर आला हाउस सील करे छॾींदो। गवर्नर नए वॾे वज़ीर जी चूंड कराइण जो बि ऐलान करे सघे थो। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब असेंबली के स्पीकर पारा नून लीग के मुअत्तल कल 18 MPs के सुभाणे वाले इजलास में शिरकत करण की इजाजत दई छी। अदालत फैसले में चयो आहे त 18 मेंबर सुभाणे असेंबली इजलास में शिरकत करे सघन था, वोटिंग में भी हिस्सो वठी सघन था। गडियल पार्लियामेंट में कानून साज़ीअ जो रिकॉर्ड कायम। 1.25 कलाक अंदरि 10 बिल मंज़ूर। अपोज़िशन जी गैर मौजूदगीअ में हुकूमत समूरा बिल आसानी सां मंज़ूर कराए वरिता। गडियल इजलास में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तरमीमी बिल मंज़ूर। बिल तहत PMDC जे नई सिर जोड़ जक जी इजाज़त घुरी वई आहे। इस्लामाबाद में खांगी सतह ते व्याज ॾियण ते पाबंदीअ वारो तरमीमी बिल
मेडिकल एंड साइंसेज एंड नर्सिंग काउंसिल तरमीम बिल ऐवान में इतफाक राय से मंजूर। रियासती मिल्कियती एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशन बिल 2022 भी मंजूर किया वो। बिजली की पैदावार विरासत बाबत तरमीमी बिल 2022 की भी मंजूरी दिनी वही। मुल्क की माशी सूरत हाल से गणती है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत में जिंद आधी कराने का फैसलो किया है। इदारन से बेहतर लागापा चाहें तो गैर आइनी कदम कबूल न किया वा। लाहौर में परदेही मीडिया के नुमाइंदन से गालंदे इमरान खान है तो वधंदड़ महंगाई की बार गुर्बत की शरह में वाध कई है। आलमी दुनिया से बेहतरीन लागापन जहा ख्वाहिशमंद आयो। मुल्की सलामती से कें भी रीत सौदेबाजी न कई वी। मौजूदा सूरत हाल में वक्त का अग चूंडू मुमकिन नाहन। इमरान सियासी अदम इस्तेकाम जरिए मुल्क के नुकसान पहुंचान चाहे तो। परदेही वजीर बिलावल भुट्टो सरदारी है तो इमरान खान जो एहतजाज बिना कें सबब के है। बोड सबब मुल्क में वही तबाही थी है। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमान के कतलेआम तशद्दुद में मुलविज है। हुकूमत इमरान खान न संभाले सको। जनरल बाजवा जो कड़ो डो इमरान खान असेंबली टोड़ने वो आखिरी पत्तो खेड़ी चुको है। हाँ भी खेस नाकामी मिली। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ है तो जनरल बाजवा इमरान खान के सहारो दिनो। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जो किरदार अफसोसनाक है। इमरान से हाँ भी इतिहादी गड ना। पीटीआई के मुस्ताफे थियल एमएनएस पारा खमीस से इस्तीफाओं की तस्दीक लाए कौमी असेंबली वन फैसलो। जरियन जो चवण है तो पीटीआई जहा एमएनएस शाह महमूद कुरैशी की अगवाणी में गडल तौर से कौमी असेंबली वेंदा। स्पीकर के सामू इस्तीफाओं की तस्दीक कंदा। सिंधाई कोर्ट सिंध सरकार का सखर हैदराबाद मोटरवे लाए एमकेएम कराची में अमन अमान की सूरत हाल से वफाक हुकूमत का मुदाखलत जो मुतालबो कर छो। वसीम अख्तर है तो सिंध हुकूमत से वर्किंग रिलेशनशिप चाहूं था। हुकूमत कराची के शहर के तहफुज नथी दई सके तो असा के हुकूमत नथी घुर्जे। डीजी रेंजर्स कराची के बेयारो मददगार न छे। सिंधाई कोर्ट सखर हैदराबाद मोटरवे लाए जमीन दियण बाबत कानूनी घुर्ज पूरी करण वाले रिपोर्ट तलब कर वरती। रोडन की तामीराती कम में देर से एन एच चेयरमैन सिंध के मेंबर से कावड़ जो इजहार। अदालत रिमार्क्स डींदे सिंध से बिठो मयार छो है। पंजाब बियन सूबन में मोटरवे सुठा ठाया वया। हैदराबाद कराची मोटरवे वरी कौमी शाहरा से ठाया वो। अदालत जो एनएच चेयरमैन के कौमी शाहरा जो मरम्मती कम टिन महीनों में मुकम्मल करने की हिदायत।
वसीम अख्तर के गाल के संजीदा नाह वा खेस बुधायण तो चाहें त कराची में हाँ कोरी बंद लाश ना मिलन भत्ताकोरी जो सिलसिलो बंद है व्यापारी आम मानू हड़ताल जो अजाब ना भोगन ट्रांसपोर्टर्स के गाड़ियों सड़न जो खौफ भी ना रो सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन जो एमक्यूएम अगवाण वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे गैर कानूनी तौर रहंदड़न के रिपोर्ट करण की गाल हली रही जैकड़े स्ट्रीट क्राइम में गैर कानूनी तौर रहंदड़ मुलविस निकता त खेन रिपोर्ट किया वो पंजाब की सूरत हाल इमरान खान लाइ शर्मनाक है परवेज इलाही हकीकत बयान कई है त इमरान खान एहसान फरामोश है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नारोवाल स्पोर्ट्स की रेफरेंस में वफाकी वजीर एहसन इकबाल के बरी कर छो एहसन इकबाल के केस में बरी करण बाबत इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो फैसलो एहतसाब अदालत में पेश अदालत है कानून मूजिब एहसन इकबाल के रिलीफ दिनो पे वे शरीक जवाबदार वकील इंदड़ बुधणी से पेश थन आलमी बैंक पाकिस्तान ला एक दहाई चार अब डॉलर से अधिक की फाइनेंस मंजूरी दई छी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मूजिब पाकिस्तान के सिंध में बोर्ड सटल इलाक के पंज मनसूबन फंड मिलंदा मनसूबन में मुतासर की बहाली घर की तामीर और जरात जो शोबो शामिल है सीटीडी कंपाउंड ऑफिस बनू में ऑपरेशन कामयाबी से जारी है ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया वो आईएसपी आर मूजिब ऑपरेशन बाबत तफसील का जल्द आगाह किया वो सीटीडी ऑफिस में जारी ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया वो बनू में ऑपरेशन दौरान मुखबिन के बाजियाब कराया है ऑपरेशन दौरान ब जवान शहीद ए 15 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी थी पया दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ गडल पार्लियामेंट के इजलास में आगाही डेंदे है त केपी में अमन अमान की सूरत हाल खराब है पर केपी हुकूमत जमान पार्क में इमरान खान वर्गमाल बणल है बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बीहर कर खड़ी रही है सूबाई हुकूमत जहा फंड हेलीकॉप्टर इमरान खान ला इस्तेमाल रहा है सिंध पुलिस धाड़ेल आडो बेवस बणल धाड़ेल एक ढी में चई जणन के अगवा कर घोट की शिकारपुर कश्मीर जिले में मानून जो अगवा थियण रोज मामूल बणल 14 का मानू अगवा थियल कादरपुर के गुठ जानण वासू में धाड़ेल गुठाणे इरफान अली शेख के अगवा कर गुडू भरसा खीर विक्रो कदड़ पोहरियत समेत टे जणा अगवा धाड़ेल पोहरियत शोभान ड्राइवर तारीख और क्लीनर अंसर लाशारी के अगवा कर कश्मीर जिले में अगवा थियल मुखबिन जो अंग वधी अठ थी वो कंदकोट में अगवा थियल सत वरियन जो मासूम बाड़ सिंगार अली मलिक भी बाजियाब न थो बावड़ो में भी अगवा थियल सफदर हुसैन मलिक और संदस भाइटो फयास बाजियाब न थिया बख्शापुर में अगवा थियल नजीर उर्फ शालू गोलो गुलाम रसूल भी धाड़ेल मगवी बणल लाड़काने का करमपुर दावत से आयल पंज जणा अना बाजियाब न थिया खानपुर तालके में ब हफ्ता अग अगवा थियल ट्रैक्टर ड्राइवर शरफुद्दीन पहोड़ भी बाजियाब न थो मुखबिन जहा वारिस प्यार की बाजियाबी लाई परेशान पुलिस हथ से हथ रखी बैठल
सिंध में वधंदड़ बदमनी खिलाफ मुख्तलिफ शहरन में मुजाहिरा धरना। गढ़ीखेरो रतोदेरो नौदेरो डखण में धारदार मुजाहिरा। रतोदेरो में दुकानदार के कतल वधंदड़ बदमनी खिलाफ रेशम गली बाजार में शटर बंद हड़ताल। वापारियन मुजाहरो करे धरणो बहायो। नौदेरो में भी बदमनी खिलाफ मुजाहरो धरणो। गढ़ीखेरो में पुलिस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो करे धरणो हयो वयो। तंगवाणी में वधंदड़ बदमनी खिलाफ एसटीपी के सद से एहतजाजी मुजाहरो करे धरणो हयो वयो।